नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के इकलौते पत्रकार रवीश कुमार को मिले रमन मैगसेस अवार्ड के बारे में। बिहार की प्रतिभा की बात हो और रवीश कुमार का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अपनी पत्रकारिता के दम पर इन्होंने अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। रवीश कुमार वर्तमान समय में या यूं कहें लंबे समय से NDTV के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि आप में से बहुत लोगों को यह पता है कि रवीश कुमार बिहार से ही नाता रखते हैं, वहीं आज के इस वीडियो में हम आपको रवीश कुमार को मिले रमन मैगसेस अवार्ड के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, रवीश कुमार का जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले में हुआ था। उन्होंने लोयला हाई स्कूल पटना से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त की थी। रवीश कुमार वर्तमान समय में NDTV समाचार नेटवर्क के हिंदी समाचार चैनल NDTV इंडिया में संपादक है और चैनल के प्रमुख कार्यक्रम जैसे हम लोग और रवीश की रिपोर्ट को होस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही रवीश कुमार के शो के साथ देश की बात भी वर्तमान में काफी लोकप्रिय है। रवीश कुमार का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि साल 2016 में उन्हें द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में शामिल किया था। इसके साथ ही रवीश कुमार ने कुल मिलाकर 5 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें इश्क मस्त शहर होना, देखते रहिए, रवीश पंती, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन और बोलना ही है, लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में किताबों के नाम शामिल है। हिंदी पत्रिका रंग में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 2010 के लिए राष्ट्रपति के हाथों उन्हें सम्मानित भी किया गया था। इसके साथ ही पत्रिका रंग में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से साल 2013 में भी उन्हें सम्मानित किया गया। इंडियन टेलीविजन पुरस्कार 2014 में उत्तम हिंदी एंकर के लिए दिया गया। पत्रकारिता क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2017 में कुलदीप नायर पुरस्कार, साल 2019 में गरीबों की आवाज सार्वजनिक मंच पर उठाने के लिए रमन मैगसेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन मैगसेस अवार्ड क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दें, रमन मैगसेस पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है, जिसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी संबोधित करते हैं। यह रमन मैगसेस पुरस्कार फाउंडेशंस द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैगसेस की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा साल 1957 में स्थापित किया गया था। फिलीपींस की सरकार की सहमति से वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैगसेस की स्मृति में यह पुरस्कार आरंभ किया गया, ताकि उनकी आम जनता की साहसपूर्वक सेवा, लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवादिता एवं निर्मल सरकारी चरित्र की याद को ताजा रखा जा सके। इस पुरस्कार को पाने वाले बिहार से पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार पहला नाम है जिन्हें यह सम्मान मिला है। उनको पुरस्कृत करने से पहले रमन मैगसेस संस्था की तरफ से कहा गया है कि अगर आप लोगों की आवाज हैं तो आप पत्रकार हैं। इसके साथ ही रमन मैगसेस अवार्ड फाउंडेशन ने रवीश कुमार की पत्रकारिता को उच्च स्तरीय, सत्य के प्रति निष्ठा, ईमानदार और निष्पक्ष बताया है। फाउंडेशन ने आगे यह भी कहा है कि रवीश कुमार ने बेजुबानों को आवाज दी है। रमन मैगसेस अवार्ड के प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि NDTV इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार अपनी खबरों में आम लोगों की समस्याओं को तरजीह देते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में पुरस्कार ग्रहण करते हुए कुमार ने कहा कि भारतीय मीडिया संकट की स्थिति में है और यह संकट अचानक या आकस्मिक नहीं हुआ है, बल्कि ढांचागत तरीके से इसे अंजाम दिया गया है। पत्रकार होना अब व्यक्तिगत प्रयास हो गया है। मीडिया के संकट को समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रवीश कुमार का पत्रकारिता जीवन आसान नहीं रहा था। रवीश कुमार ने इस पुरस्कार के लिए लंबा सफर तय किया है। उन्होंने इसकी शुरुआत बहुत ही नीचे से की थी। साल 1996 में रवीश कुमार NDTV से जुड़े थे। साल शुरुआती दिनों में NDTV आई चिट्ठियों को छाटा करते थे। इसके बाद वो रिपोर्टिंग की तरफ बढ़े थे और उनकी सजग आंखें देश और समाज की विडंबनाओं को अचूक ढंग से पहचानती रहे। बाद में उन्होंने एंकरिंग करते हुए टीवी पत्रकारिता की जैसे एक नई परिभाषा ही रची। टीवी पत्रकारिता के इस शोर शराबे भरे दौर में उन्होंने सरोकार वाली पत्रकारिता का परचम लहराया। सत्ता के खिलाफ बेखौफ पत्रकारिता करते हुए आज उनकी पत्रकारिता को एक बड़ी मान्यता मिली है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।